अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। सैटरडे का दिन है दोस्तों और हम लोग आ चुके हैं देवनार में। आज की तारीख 26 जून और अपन लोग निज़ाम भाई के बकरे कवर कर रहे हैं दोस्तों। निज़ाम भाई ने 5 या 6 बड़े बकरे लाए थे, दाती खस्सी बकरे, जिसमें से 2-3 बिक चुके हैं और 2-3 अभी अवेलेबल है सेल के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये सोजत का एक बकरा देख रहे हैं जो कि निज़ाम भाई के पास आया था। ये बकरा बिक चुका है दोस्तों, मंडी में आके बिका है ये बकरा, बाहर से बिक के नहीं आया है। ये बकरा मंडी में आके बिका है, देख सकते हैं आप लोग, सोजत खस्सी बकरा है दोस्तों, हैवी वेट में बकरा है ये दोस्तों। इसके अलावा ये 4 बड़े बकरे आप लोग देख रहे हैं, ये भी निज़ाम भाई के पास ही अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों पालने लायक बच्चे अभी तो है ना इस लॉट में। हम लोग आगे चलते हैं और आगे भी कुछ बकरे कवर करने की कोशिश करते हैं कुर्बानी के लायक, और अगर बच्चे अच्छी क्वालिटी में है तो वो भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। ज़्यादा फोकस हम कुर्बानी के लायक बकरे पर ही करेंगे। तो दोस्तों ये गुजरी का बच्चा देखिए आप लोग, अदंत बच्चा है, लाइव वेट मेरे अंदाज से इसका 38 kg 36 kg प्लस ही आएंगे, 38 kg के आसपास, और माशाल्लाह डबल हड्डी में बच्चा है, बहुत बड़ी फ्रेम का बच्चा है ये, पालने लायक बच्चा है। नेक्स्ट ईयर के लिए अगर कोई पालना चाहे तो ले सकता है। इसके पैर में प्रॉब्लम है दोस्तों, तो ये बकरा अभी कसाई को ही जाएगा, पालने वाला ना ले तो बेहतर है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सुबह के 7 बज चुके हैं और मंडी बंद भी चुकी है। यहाँ पे तकरीबन मालवा और कोटा के बकरे ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे आपको। तो दोस्तों अभी हम लोग निज़ाम भाई के कुछ बकरे कवर कर रहे हैं, जिसमें ये बकरा बाहर से बिक के आया है कोटे का, ये वाइट है, इसका बच्चा भी बाहर से बिक के आया है। इसके अलावा दोस्तों जो अवेलेबल है मैं वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ निज़ाम भाई के पास। ये गुजरी का बच्चा देखिए आप लोग, ये बच्चा भी बाहर से बिक के आया है दोस्तों, गुलाबी गुजरी। ये एक बकरा अवेलेबल है अभी फॉर सेल के लिए। दोस्तों एक बकरा भी है, एंडिल बकरा है, इसके निज़ाम भाई ने 35,000 रुपये मांगे। और ये वाले बकरे के भी दोस्तों निज़ाम भाई ने 35,000 रुपये मांगे है, प्राइस दोस्तों कम हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दूँ निज़ाम भाई के बाड़े का। मैं तकरीबन ज़्यादातर बकरे बिक चुके हैं और कुछ का अभी भी सौदा चल रहा है। जो बड़े बकरे बताए दोस्तों, अगर आपको चाहिए तो आप लोगों को निज़ाम भाई का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मंडी का जो नया टाइमिंग है दोस्तों 7 से लेकर 1 बजे तक के है, तो आप लोग 1 बजे से पहले भी आ सकते हैं। इसके अलावा मैं तो यही बोलूँगा कि सुबह जल्दी आके आप लोग देखिए बकरे को चला फिरा के, उसके बाद ही आप लोग डील कीजिए। दोस्तों अभी हम लोग एक बाड़े में आए, यहाँ पे दोस्तों बकरे का ओनर तो मौजूद नहीं है, हम लोग आपको बकरे दिखाते हैं। इसमें तकरीबन यहाँ पे 120-150 बकरे के आसपास बकरे हैं, जिसमें ज़्यादातर बकरे कटिंग के लायक है, कुछ बकरे हैं सोजत बड़े बड़े। ऐसे एक बैठा है दोस्तों, उठाएंगे ना इसको, एक ओवरव्यू दे दूँ इस बाड़े का आपको। देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, ये बकरा भी अच्छा है। दोस्तों अभी मैं आपको लगातार 3 बाड़े जो दिखाऊंगा उसमें ज़्यादातर बकरे जो अजमेर के हैं। दोस्तों पूरे बकरे तो नहीं दिखा सकते, ज़्यादातर बकरे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आज का जो मंडी का जो टोटल है 18,000 के आसपास आज का टोटल है दोस्तों।
ये पहला वाला है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम लोग दूसरे बारे में आए हैं। यहाँ पर भी जो ज़्यादातर बकरे अजमेर के ही है, इसमें एक दो बकरे जो अच्छे खूबसूरत है मैं आपको बताऊँ। इसमें आप लोग ये गुजरी का मेल देखिए, माशाल्लाह मार्बल सिंह मार्बल गुर में पूरा गुलाबी बच्चा है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है बच्चा दोस्तों। अभी तक के व्यापारी आया नहीं, इसका प्राइस हम लोग पूछ नहीं सकते, फिर भी माशाल्लाह चीज़ आप लोग देखिए, वो तरफ से भी नहीं देख सकते आप लोग। ये भी एक बच्चा देखिए दोस्तों, माशाल्लाह सिरोही ब्रीड का बच्चा है और फुल गला पट्टी में बच्चा है, ये डबल हड्डी में है। रुबाब देखिए इसके चेहरे पे आप लोग, चेहरा देखिए दोस्तों आप लोग इसका, माशाल्लाह। तो दोस्तों ये बच्चा बाहर से बिक के आया है, वाइल्ड आज में नहीं है, बाकी है अच्छा बच्चा है, किसी पालने वाले ने मंगाया है बाहर से। तो दोस्तों थर्ड बार है, यहाँ पर भी जो ज़्यादातर बकरे हैं वो अजमेर है। इसके अलावा कुछ बड़े बकरे हैं दोस्तों, इसका व्यापारी अभी मौजूद नहीं है यहाँ पे, ये सब दाती अंडुल बकरे हैं, खस्सी बकरा इसमें है ही नहीं। तो दोस्तों हम लोग जो अभी बकरे देख रहे हैं वो रतन भाई के व्यापारी है, वो रतन व्यापारी, उनके पास ये दो बकरे हैं अंडुल, इसके अलावा दो खस्सी है, एक बकरा देखिए आप लोग, माशाल्लाह बहुत ही बड़ी साइज़ का बकरा है। मेरे अंदाज़ से इसकी हाइट आना चाहिए 37-38 के आसपास, वेट तो मेरा अंदाज़ा कुछ लगा नहीं सकता, आप लोग आगे खुद देख के लेके जाइए। खस्सी बकरा है दोस्तों, इसके साथ एक जोड़ीदार भी है, उसको मैं आपको आगे दिखाता हूँ वीडियो में। ये दूसरा बकरा है दोस्तों, ये भी तकरीबन 35 इंचेस के करीब इसकी हाइट रहेगी, खस्सी बकरा है भी। दोस्तों व्यापारी जो इसकी हाइट बता रहा है 36-37 बता रहा है और उस वाले की 39, तो मेरा तो अंदाज़ा नहीं लग रहा है दोस्तों बड़े बकरों में। इसके अलावा वेट इसका व्यापारी ने बताया 75 किलो और उसका 85 किलो, आप लोग आगे खुद देख के लेके जाइए। बड़े बकरे हैं दोनों भी, दोनों का व्यापारी ने प्राइस मांगा है 70,000 रुपये। रतन भाई का दोस्तों प्राइस जो आस्किंग है 70,000 रुपये, उसमें कम हो जाएगा। दोस्तों रतन भाई का मैं भाड़ा बता दूँ, तो ये मेन गेट से आने पर आपको सेकंड शेड जो है उसके राइट साइड में पहला ही वाला है रतन भाई का, रतन भाई के बकरे हैं। दोस्तों ये जो दो अंडील बकरे हैं, ये वाला बकरा अच्छा खूबसूरत है, फुल वाइट कलर में अंडील, इसका प्राइस भाई ने मंगा है 25,000 रुपये और इसका वेट मेरे अंदाज से रहेगा 50 kg के आसपास। 8 दांत पे बकरा है दोस्तों ये। तो दोस्तों ये करौली कोटा की फीमेल है जो कि ट्रैवलिंग में से पैर में शायद कुछ हो चुका है, अच्छी फीमेल थी दोस्तों, अच्छे लंबे कान में थी। दोस्तों ये सब बकरे बिक चुके हैं, ये बाहर से मंगाए हुए बकरे हैं दोस्तों डायरेक्टली, इसमें 6 बकरे हैं, 3 बच्चे और 3 बड़े हैं। दोस्तों एक खस्सी बकरा है 4 दांत पे, अभी इसका व्यापारी मौजूद नहीं है जगह पे, तो इसका प्राइस हम लोग आपको बता नहीं सकते, भाई कुर्बानी के लिए अच्छा जानवर है, वेट मेरे हिसाब से रहना चाहिए 40 kg के आसपास आना चाहिए इसका वेट। दोस्तों एक बच्चा है, इसका प्राइस मांगे है भाई ने, क्या बोलो चाचा, 12,000 रुपये मांगे दोस्तों, और अगर तीनों को ही साथ में लेता है तो 10,000 रुपये की पट्टी से मांग रहे, इसमें और भी कम हो जाएगा, ये सिंगल का बोल रहे 12,000 रुपये के ऊपर का बच्चा है ये।
दोस्तों ये बकरा देखिए आप लोग सिरोही का। दोस्तों आप लोग एक बच्चा देखिए गुजरी का, माशाल्लाह सा गला देखिए आप लोग। ये सिंगल बच्चा नहीं देना है उनको, पूरी खंडी में ही देना है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी झालर में बच्चा है ये, डबल हड्डी में पालने लायक चीज़ है। नेक्स्ट ईयर के लिए कोई अगर पालना चाहे तो बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों। दोस्तों ये दो दांत पे सिरोही का बकरा है और इसका लाइव वेट मेरे अंदाज से 45 kg प्लस आना चाहिए। इसका भाई ने प्राइस मंगाया 22,000 रुपये, जिसमें और गुंजाइश है। तो दोस्तों एक खस्सी बकरा है 4 दांत पर, देसी बकरा है और वेट इसका मेरे अंदाज से रहना चाहिए 40 kg। घर का पाला हुआ बच्चा है दोस्तों, व्यापारी रह रहा है। इसका प्राइस मांगे 17,000 रुपये फाइनल, इसमें कुछ भी गुंजाइश नहीं है। दोस्तों ये 3 खस्सी बकरे हैं, सभी अच्छे चेहरे में बच्चे हैं, अभी तीनों बच्चे खस्सी है और तीनों का लाइब्रेट मेरे अंदाज से आना चाहिए 35-35 kg। भाई ने प्राइस जो मंगाया है तीनों का 18,000 रुपये से मंगा है और प्राइस नेगोशिएबल है दोस्तों। सोचते हैं कि मेवाती की बकरी है जो कि पूरे रात पर है। दोस्तों आप लोग एक जोड़ी देखिए कोटा मेल फीमेल की, माशाल्लाह का जोड़ी दिख रही है और ये शायद ही बिक गया है क्योंकि अभी इसका कोई ओनर तो है नहीं यहाँ पे मौजूद। माशाल्लाह आप लोग जोड़ी देखिए क्या प्यारी जोड़ी है। ये आगे जो खड़ा है वो मेल है और पीछे वाली फीमेल है। इसके अलावा दोस्तों वाले में और कोटा के बच्चे मैं आपको दिखाऊँ सब बच्चे, ज़्यादातर बच्चे दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक बड़ा बकरा दोस्तों जो बैठा है, ये देखिए रेड ब्लैक कलर का कोटा बकरा। दोस्तों ये बकरे की मैं बात कर रहा था, माशाल्लाह इसके सिक्के देखिए आप लोग। दोस्तों कुर्बानी की अगर बात की जाए कि कुर्बानी में देवनार खुला रहेगा या नहीं रहेगा, दोस्तों अभी तक ये कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ है, 50-50 चांस है। दोस्तों वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।